हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट पूंछ हाय 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 एसीपी पूंछ हाय हाय सीओ पूंछ हाय हाय आरएनबी सुनकोट हाय हाय आरएनबी सुनकोट हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो एसीपी पूंछ हाय हाय सीओ पूंछ हाय हाय सीओ पूंछ हाय हाय आरएनबी सुनकोट हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो कंप्लीट होके एसीपी पुंछ के पास चले गए। एसीपी पुंछ ने सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो जानबूझ के जी मेरा नाम मुख्तार अहमद है मैं हम यहाँ आज धरने पे बैठे हैं जावेद साहब की क्यादत में सरपंच जावेद साहब की में प्रॉब्लम ये है कि बैक टू विलेज जो है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। महकमे वाले हर साल जो है मुलाजमों को भी तंग करते हैं यहाँ लेके आते हैं कि आपके काम होंगे हमारा कोई काम नहीं होता हम बहुत परेशान हैं हमारी रोड का मसला है स्कूलों का मसला है हमारे बच्चों के जो फ्यूचर का मसला है इसलिए हम सरकार एचसी का भी बुरा हाल है पानी जो है लोगों तक नहीं है अपनी मदद आज स्कूल जो है उसमें टीचर जो है कम है तो हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ टीचर दिए जाएं। सुधामुरी स्कूल में भी टीचर कम है और लोहार मुरी में भी जो स्कूल है उसमें भी एक ही टीचर है सोरिया में दो टीचर हैं तो हमारे बच्चे ज़्यादा हैं स्कूल में टीचर कम है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए तो अगर नहीं करेंगे तो हम बार बार धरने पर बैठे रहेंगे। आज हमारा एहतजाजी धरना था जिला इंतजामिया के खिलाफ बिलखसूस हमने डिपार्टमेंट भी डिस्कस किया किस किस के खिलाफ हमारा धरना था। कल भी हम इतने टाइम के लिए यहाँ धरना देंगे बैक टू विलेज 5 के ऑफिसर जितने भी आए हैं उनके सामने उनका भी हक बनता है वो बाज़ाब्ता तौर पर हमारी जेन्युइन डिमांडें जो हैं वो हमारी आज के धरने की ग्रीवेंसेस लिखें और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कन्वे करें। अगर कोई ऑफिसर इनिशिएटिव लेता है हमारे साथ हमारे मसाइल हल करता है तो हम बैक टू विलेज के साथ वापस बैठ जाएंगे। अगर कोई ऑफिसर नई इनिशिएटिव लेना चाहता पब्लिक को कुछ नहीं सुनना चाहता या उनकी ताकत के बारे में उनको शायद दिलम भी ना हो जिस दौंस दबाव की पॉलिसी ज़िला इंतजामिया चला रही है शायद ये ना चल पाए ये उनकी भूल है और एक और है ना दो तीन बंदे आप अटेंडेंस चली गई है ये ऐसे है विलेज बाइकाट हमने इस रीज़न से किया है कि हमारी तीन बड़ी जेन्युइन डिमांड है। सबसे बड़ी जेन्युइन डिमांड होती है एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे साथ सीओ पंच ने जानबूझ के खिलवाड़ किया है अपनी करप्शन करने के लिए। हमारे तीनों स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है तीनों स्कूलों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है जिसके लिए मैंने हज़ारों हार रिप्रेजेंटेशन दी हैं। उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक स्कूल में 14 टीचर 60 बच्चे पे बैठे हुए हैं एक स्कूल में मेरी कंस्टिट्यूंसी के एक स्कूल में 125 बच्चा है वहाँ सिर्फ जनरल लाइन के दो टीचर हैं वो भी मैट्रिक को ले गए। साइंस का टीचर वहाँ नहीं है मैथ का टीचर वहाँ नहीं है। टीएस मूरी लवारा में ना ही बिल्डिंग है और ना ही सेकंड टीचर है सिंगल टीचर वर्क कर रहा है पिछले 3 साल से और 3 साल से हम कराई कर रहे हैं 3 साल से हम कराई कर रहे हैं। सीओ पंच का नो एनी रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बड़ी बार सीओ से रिक्वेस्ट किया आप एक बार आएँ विजिट करें और ZDO सुरनकोट के पास हज़ारों डेपुटेशन हम लेके गए हैं सीओ पुंछ के पास हज़ारों डेपुटेशन लेके गए हैं नो एनी रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और जहां उसकी मर्जी है एक सितम जरीफी एक सेकंड देखें हमारे पास एक है PS सटीला जो स्कूल क्लब हो गया आज से 12 साल पहले उसमें सीओ पुंछ जर्नल लाइन के दो टीचर ट्रांसफ़र करता है जबकि रूल ये था कि जोन टू जोन ट्रांसफ़र भी नहीं थी। सीओ पुंछ ने वहाँ कानून का खिलवाड़ करके जोन के अंदर ही वहाँ दो टीचर जनरल लाइन ट्रांसफ़र कर देता है नो एनी चिल्ड्रन। इसलिए मेरी एलजी इंतजामिया से मांग है
कि सरकार की तरफ से ऊपर से जो भी स्कीम आती है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पहुंच उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। इसके अंदर क्या पॉलिटिशन है, किस कारण की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी होती, जिसकी वजह से आवाम दिन ब दिन तरक्की के बजाय सफर कर रही है। जी मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं हम यहाँ आज धरने पे बैठे हैं जावेद साहब की क्यादत में, सरपंच जावेद साहब की। मैं प्रॉब्लम यह है कि बैक टू विलेज जो है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। महकमे वाले हर साल जो है मुलाजमों को भी तंग करते हैं, यहाँ लेके आते हैं कि आपके काम होंगे, हमारा कोई काम नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं, हमारी रोड का मसला है, स्कूलों का मसला है, हमारे बच्चों के जो फ्यूचर का मसला है। इसलिए हम सरकार अच्छी का भी बुरा हाल है, पानी जो है लोगों तक नहीं है, अपनी मदद आप स्कूल जो है उसमें टीचर जो है कम है, तो हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ टीचर दिए जाएं। सुधा मुरी स्कूल में भी टीचर कम है और लोहार मुरी में भी जो स्कूल है उसमें भी एक ही टीचर है, सोरिया में दो टीचर हैं, तो हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल में टीचर कम है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, तो अगर नहीं करेंगे तो हम बार बार धरने पर बैठे रहेंगे।